अब हम गैसों के नियम से संबंधित एक और नियम के बारे में जानेंगे, ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का विसरण नियम और ग्राहम का निःसरण का नियम, ये दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं। गैसों का ये गुण होता है कि वो अपने आप मिश्रित हो पाते हैं, इसमें किसी भी बाह्य कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और गुरुत्व का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या हम कह सकते हैं कि गैसें जो है वो आपस में आसानी से मिश्रित होने का गुण रखती हैं। जैसे यदि H2 के सिलेंडर को यदि NO2 के सिलेंडर के ऊपर रखा जाए और दोनों सिलेंडरों के मुंह को खोल दिया जाए तो अपने आप ये दोनों गैसें विसरित हो जाती हैं और एक भूरे रंग की गैस यहाँ पर तैयार हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैसेस होती हैं वो अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरित होती हैं, अर्थात जिधर कम सांद्रता है गैसों की उस तरफ अधिक सांद्रता वाली गैसों का जो क्षेत्र है वहाँ से गैस के अणु आसानी से विसरित होकर कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जा सकते हैं। यहाँ पर हम एक और उदाहरण के द्वारा विसरण और निःसरण दोनों में जो डिफरेंस है उसे समझ सकते हैं। जैसे यदि हम बैलून को फुलाते हैं और उसके बाद उसके मुंह को खोल देते हैं तो हम देखते हैं कि जो बैलून है वो पिचक जाता है, क्योंकि बैलून के अंदर भरी हुई जो हवा है वो वातावरण में चली जाती है जैसे ही उसके मुंह को हम खोल देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि बैलून को फुलाने के बाद उसके मुंह को अच्छी तरह से बंद कर दिया जाए और दूसरे दिन उस बैलून की आकृति को देखा जाए तो आप ये देखते होंगे कि वह बैलून पहले दिन की तुलना में कुछ आकार में छोटा हो गया है, जबकि हमने तो उसके मुंह को बंद किया हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गैसों में विसरित होने का जो गुण होता है, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस इसलिए हम देखेंगे कि जब गैस एक छोटे से छिद्र से फैलती है, बैलून को हमने अच्छी तरह से बंद तो किया लेकिन दूसरे दिन जब बैलून की आकृति को हमने देखा, बैलून का जो आकार है वो थोड़ा छोटा हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके छोटे से छिद्र से जो गैस है वो बाहर की तरफ निकल गई। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है निःसरण। और विसरण में हमने देखा कि बैलून को फुलाने के बाद जब उसे छोड़ देते हैं तो यदि उसके मुंह को बंद किए बिना उसे फुलाने के बाद हम छोड़ देते हैं तो उसकी जो गैस है वो बाहर निकल जाती है, अर्थात बैलून के अंदर जो गैस भरी है वो अधिक सांद्रता है वहाँ पर उसकी, और जैसे ही उसके मुंह को खोल दिया जाता है तो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से जो गैस के अणु हैं वो कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर विसरित हो जाते हैं। थॉमस ग्राहम ने 1831 में गैसों के विसरण पर आधारित एक नियम दिया जिसे कहते हैं गैसों का विसरण का नियम, ग्राहम का विसरण का नियम। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो गैसों की विसरण की दर होती है अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती होती है √1/d के। थॉमस ग्राहम ने जो विसरण का नियम दिया उसमें उन्होंने ये बताया कि गैसों के विसरण की जो दर होती है वह घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ हम R व्युत्क्रमानुपाती √1/d लिखते हैं। d यहाँ पर वाष्प घनत्व को दर्शाता है और यहाँ पर जब वाष्प घनत्व है उसे हम आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान से जब संबंधित करते हैं तो d बराबर होगा m/2, अर्थात घनत्व बराबर आणविक द्रव्यमान बटा 2। ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार तापक्रम और दाब की समान परिस्थितियों में किसी भी गैस की जो विसरण की दर होती है वह घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती है √1/d के। तो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर हम एक और उदाहरण देखेंगे। यदि दो गैसों को लिया जाए, दो गैसें जैसे A और B, दोनों गैसों के लिए जो विसरण की दर है जैसे A के लिए R1 और B के लिए R2, और दोनों गैसों के लिए जो घनत्व होगा वो D1 और D2 माना जाए, तो ऐसी स्थिति में जो संबंध होगा वो होगा R1/R2 √D2/D1, और इसे यदि हम
आणविक द्रव्यमान के रूप में दर्शाएंगे। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। यहाँ पर आप देखिए R1 बाई R2 है, अर्थात दो गैसों के विसरण की दर का जो अनुपात है वो लिया गया है, और यहाँ आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल को लिया गया है। तो ये दोनों का जो संबंध है इनके मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो अब हम इस संबंध को एक नियम के द्वारा कह सकते हैं, वो हुआ कि स्थिर तापमान एवं दाब पर गैसों के विसरण की दर का जो अनुपात है यानी R1 और R2 इनके आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर अंडर रूट M2 बाई M1 लिखा गया है, यहाँ पर यह इसके आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ग्राहम के विसरण का जो नियम है इसे हम ग्राहम के निःसरण के नियम के रूप में भी कह सकते हैं। यदि गैसों के विसरित होने की प्रक्रिया यदि एक छोटे से छिद्र से होती है तो जैसा हमने देखा कि इस प्रक्रिया को इफ्यूज़न या फिर निःसरण कहते हैं, तो ग्राहम का विसरण का नियम निःसरण पर भी लागू होता है। यहाँ पर गैस के अणु भारी गैस के अणुओं की तुलना में जल्दी जल्दी निःसरित होते हैं। ग्राहम के विसरण के नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं, जैसे भिन्न घनत्व की जो गैसेस होती हैं उनको पृथक्करण करने के लिए इस नियम का प्रयोग किया जाता है। इस नियम के कुछ अनुप्रयोग और भी हैं, जैसे यदि गैसीय तत्वों के समस्थानिक हैं उनको पृथक करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कई गैसेस हैं उनके वाष्प घनत्व मोलर द्रव्यमान उसकी गणना की जाती है। खदानों में मार्श गैस संचेतक के रूप में भी यहाँ पर ग्राहम के विसरण नियम का अनुप्रयोग देखने को मिलता है। अब हम गैस का आदर्श व्यवहार, जैसा कि हमने देखा कि आदर्श गैस प्रत्येक ताप और दाब पर बायल और चार्ल्स के नियम का पूर्ण रूप से पालन करती है। हमने ये भी देखा कि गैस के अणुओं में आपस में किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए इस गैस के प्रसार में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। आदर्श गैस के बारे में ये भी हमने जाना कि आदर्श गैस की एक निश्चित मात्रा को स्थिर दाब पर यदि ठंडा किया जाता है तो उसका जो आयतन है वो लगातार घटता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यह आयतन शून्य हो जाता है। आदर्श गैस के अणुओं का जो आयतन है वो गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। आदर्श गैस के लिए जो संपीड्यता का गुणांक है यानी Z, इसकी वैल्यू 1 होती है। आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करने वाली जो गैसेस होती हैं वो द्रव अवस्था और ठोस अवस्था, इसमें प्राप्त नहीं किया जा सकता इनको, क्योंकि आदर्श व्यवहार यदि कोई गैस प्रदर्शित करती है तो यहाँ पर जो कंडीशंस होती हैं वो भी देखा जाएगा। तो वहाँ पर जो कंडीशन है वो दाब कम की स्थिति होगी और तापमान अधिक की स्थिति होगी। इन दोनों परिस्थितियों में जो गैसेस होती हैं ना तो वो द्रव अवस्था में पाई जाएंगी ना ही वो ठोस अवस्था में पाई जाएंगी। अब हम गैसों के अणुगतिक सिद्धांत या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में जानेंगे। गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के लिए बहुत सारी अभिधारणाएँ दी गई जो कि गैस के अणुओं से संबंधित हैं। चूँकि गैसेस के जो अणु होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इनके जो गतिक सिद्धांत है उसको सूक्ष्मदर्शी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। गैसों के गुणों को समझाने का प्रयास सबसे पहले 1738 में बर्नौली ने किया था। इनके अनुसार गैस का जो दाब होता है, गैस का दाब इस वजह से होता है क्योंकि गैस के अणु पात्र की दीवार से टकराते रहते हैं लगातार, इस वजह से उनका दाब उत्पन्न होता है। बर्नौली के विचारों को क्लॉसियस और क्रोनिंग ने आगे विकसित किया और गतिज समीकरण के रूप में इसे प्रस्तुत किया। मैक्सवेल, केल्विन, बोल्ट्जमैन ऐसे कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर अणुगतिक सिद्धांत या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक आधुनिक रूप प्रदान किया, और इसके कई सारे जो पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उसको हम अब जानेंगे। सबसे पहला बिंदु है, सभी गैसें बहुत अधिक संख्या में बहुत सूक्ष्म कणों से बना होता है, इन्हें अणु कहते हैं।
दूसरा बिंदु है कि गैस के कण इतने छोटे होते हैं और एक दूसरे से इतने दूर दूर स्थित होते हैं कि गैस के अणुओं का जो वास्तविक आयतन है वो गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। या हम ये कह सकते हैं कि एक गैस के अणु का जो आयतन होता है वह पूरे गैस के अणुओं के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। तीसरा बिंदु है कि गैसों के जो अणु होते हैं वो लगातार अलग अलग हर संभव दिशा में गति करते रहते हैं, क्योंकि उनके मध्य आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। तो ऐसे गति करते समय वो आपस में तो टकराते हैं, साथ ही साथ पात्र की दीवार से भी लगातार टकराते रहते हैं। तो जो गैस का दाब है वो अणुओं के पात्र की दीवारों से टक्कर के कारण उत्पन्न होती है। अगला बिंदु है कि अणु हमेशा एक सीधी रेखा में चलते रहते हैं, लेकिन इनके मध्य जब टक्कर होती है तो टक्कर होने पर इनकी दिशा बदल जाती है। जैसे ही एक अणु दूसरे अणु से टकराते हैं तो इसकी दिशा बदल जाती है, टेढ़ी मेढ़ी दिशा हो जाती है, या हम इसे कहते हैं ज़िगज़ैग मूवमेंट। गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला बिंदु है कि एक टक्कर के लिए अणु द्वारा जो चली गई दूरी है उसे हम मुक्त पथ कहते हैं, क्योंकि एक टक्कर के पहले अणु एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है, तो जितनी दूर तक वो सीधा चलता है वह उसका फ्री पाथ होगा, मुक्त पथ होगा, और इसके औसत दूरी को औसत मुक्त पथ कहा जाता है। अगला बिंदु है कि अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वह नगण्य होता है। तो अणुओं के मध्य जो टक्कर है वो पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ होता है, अर्थात टक्कर के कारण इनकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो गैस के अणुओं की विशेषता ये है कि इनके बीच होने वाला जो टक्कर है वो पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ होता है। अगला बिंदु है किसी भी गैस की जो औसत गतिज ऊर्जा होती है वह उसके परम तापमान के समानुपाती होती है। तापमान बढ़ाने पर गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है उसमें वृद्धि होती है, या हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गतिज ऊर्जा बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 mv². तो जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाएगा गैस के अणुओं की जो गति है वो भी बढ़ती जाती है। गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर बायल नियम, चार्ल्स के नियम एवं डाल्टन के आंशिक वाष्प दाब का जो नियम है उसकी व्याख्या हम कर सकते हैं, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बायल का नियम। बायल के नियम में हमने देखा था कि स्थिर तापमान पर किसी भी गैस के निश्चित मात्रा का जो आयतन है वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी संबंध को हम अणुगतिक सिद्धांत से कैसे समझ सकते हैं? तो अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार हमने देखा कि पात्र की दीवार पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो आणविक संगठन होता है, तो इस आणविक संगठन की आवृत्ति के कारण ही गैस का दाब होता है। अर्थात जितने भी गैस के अणु पात्र की दीवार से टकराते जाते हैं तो दाब जो है गैस का वो बढ़ता जाता है। लेकिन तापमान स्थिर होने पर अणुओं की जो औसत गति होती है वो हमेशा समान रहती है। गैस संपीड्य होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके मध्य आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, इनके बीच पर्याप्त स्थान रहता है। तो जब आयतन घटता जाता है तो अणुओं की जो गति होती है उस गति के लिए सीमित स्थान होता है, और आयतन जैसे जैसे घटता है तो दाब बढ़ता है, आयतन बढ़ने पर दाब घटता जाता है। तो यहाँ पर बायल के नियम को हम कह सकते हैं कि स्थिर तापमान पर दी गई गैस के द्रव्यमान का जो आयतन है वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दाब बढ़ने पर आयतन में कमी होती है और दाब घटने पर आयतन में वृद्धि होती है। अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर ही चार्ल्स के नियम की भी व्याख्या की जा सकती है। यहाँ पर हमने चार्ल्स के नियम को जाना है कि स्थिर दाब पर किसी भी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन तापमान के समानुपाती होता है। तो जब भी गैस को गर्म किया जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती है, जैसा हमने अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर देखा कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो पात्र की दीवार पर अणु की जो
बमबारी होती है, अणुओं के जो टकराने की दर होती है वो बहुत तेज हो जाएगी यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस स्थिति में दाब में वृद्धि होती है। और दाब जब स्थिर होता है तो ऐसी स्थिति में अणु को गति के लिए ज़्यादा स्थान चाहिए होता है, तो यहाँ पर आयतन बढ़ जाता है। तो स्थिर दाब पर गैस के दिए गए द्रव्यमान का जो आयतन होगा उसके परम तापक्रम के समानुपाती होता है। तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के रिलेशन के आधार पर चार्ल्स के नियम को भी व्याख्या कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे कि अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर डाल्टन का आंशिक दाब का जो सिद्धांत है उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। गैस का अणुगतिक सिद्धांत जो है इसके अनुसार गैस के अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं होता है। गैस के अणुओं का जो व्यवहार है वो दूसरे गैस के अणुओं की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होती है। तो किसी भी गैस का जो आंशिक दाब है वो पात्र की दीवार से टकराने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है और दूसरे गैस के अणुओं की उपस्थिति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जो गैसीय मिश्रण का कुल दाब होगा उसके घटक गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, जैसा कि डाल्टन का आंशिक दाब का सिद्धांत कहता है कि गैसीय मिश्रण का जो कुल दाब होता है वो उसके घटक गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। जैसा हमने देखा था कि P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 जितने भी गैसेस हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त ये होनी चाहिए कि सभी गैसेस जो है वो आपस में क्रियाशील ना हो या आपस में वो क्रिया ना करती हों। मैक्सवेल व बोल्ट्जमैन के वेगों के वितरण का नियम। इस नियम में गैस के अणुओं के गति और गैस के अणुओं की पात्र की दीवार से टकराती रहने के आधार पर उन्होंने प्रायिकता वक्र दिया। इसमें हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे, एक घनाकार पात्र में कई सारे गैस के N अणु प्रत्येक संभव दिशा में लगातार गतिशील हैं। इस घनाकार पात्र में लिया गया जो गैस है वह वास्तविक गैस है। प्रत्येक गैस, जितनी भी गैस के अणु हैं, सभी की गति यहाँ अलग अलग होगी। सभी गैस के अणु अलग अलग संभव दिशा में लगातार गतिशील हैं। यदि गैस के अलग अलग अणुओं का वेग V1, V2, V3 हो तो समानांतर फलकों की ओर 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से ये गतिशील होते हैं। गैस के एक नमूने में सभी अणुओं का वेग एक समान नहीं होता है, क्योंकि गैस के अणु सभी संभव दिशा में लगातार गतिशील होते हैं। ये लगातार पात्र की दीवार से भी टकराते हैं और आपस में एक दूसरे से भी टकराते रहते हैं। तो इसमें ऊर्जा का वितरण होता है, इनके वेग और गति की दिशा में परिवर्तन लगातार होता रहता है। विभिन्न गैस अणुओं के वेग को समझने के लिए हमें अलग अलग वेग को समझना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, इसे AV से दर्शाते हैं। तो गैस के अणु लगातार एक दूसरे से टकराते हैं और पात्र की दीवार से भी टकराते रहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि सभी गैस के जो अणु हैं सभी का वेग अलग अलग है, सभी अलग अलग गति से एक दूसरे से टकराते हैं या पात्र की दीवार से टकराते रहते हैं। या हम कह सकते हैं कि यह एक वास्तविक गैस है, इसलिए सभी अणुओं की जो गति होगी वो अलग अलग होती है और इनका जो वेग होता है वो प्रति सेकेंड परिवर्तित होता रहता है। गैस के अणुओं का वेग V1, V2, V3 हो तो V1 वेग के N1 अणु, V2 वेग के N2 अणु और V3 वेग के N3 अणु हैं। तो औसत वेग यहाँ पर होगा V बराबर N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 प्लस, यहाँ डैश डैश करके हम VN लिख सकते हैं क्योंकि कई सारे अणु यहाँ पर हैं, अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डैश डैश करके यहाँ N अणु ले सकते हैं क्योंकि कई सारे अणु यहाँ पर सम्मिलित हैं। तो इस तरह से औसत वेग की गणना की जा सकती है क्योंकि सभी गैस के अणुओं की गति अलग अलग होती है। औसत वेग को सूत्र के रूप में लिख सकते हैं AV बराबर √8RT / π
m, यहाँ पर r बराबर गैस स्थिरांक, t तापमान, m आणविक द्रव्यमान है। इस आधार पर औसत वेग की गणना की जा सकती है। दूसरा हम देखेंगे अधिकतम संभावित वेग, most probable velocity, इसे Vmp से दर्शाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वक्र यदि खींचा जाता है मैक्सवेल प्रायिकता वक्र में, अधिकांश जो अणु होते हैं उसका जो वेग होता है उसे हम अधिकतम संभावित वेग कहते हैं। ज्यादातर अणुओं का वेग जो है वो अधिकतम ही होता है, तो अधिकतम संभावित वेग इसे कहा जाता है। Vmp बराबर अंडर रूट 2RT अपॉन m, यहाँ भी m गैस का आणविक द्रव्यमान होता है। यदि अलग अलग गैस लिया जाएगा तो अलग अलग गैस के आणविक द्रव्यमान के आधार पर अधिकतम संभावित वेग ज्ञात किया जा सकता है। वर्ग माध्य मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी, यहाँ पर जितने भी गैस के अणु हैं एक निश्चित तापमान पर वह लगातार गतिशील होते हैं, तो निश्चित तापमान पर गैस के विभिन्न अणुओं का जो वेग है V1, V2, V3, उन सभी का पहले वर्ग ज्ञात करते हैं और इन सब का औसत जब निकाला जाता है, औसत निकालने के बाद इसका वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। तो इस तरह से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेग की गणना की जा सकती है। VRMS से इसे दर्शाते हैं, अंडर रूट N1 C1 स्क्वायर प्लस N1 C2 स्क्वायर प्लस N3 C3 स्क्वायर, यहाँ पर C1, C2, C3 विभिन्न जो गैस के अणु हैं इनका वेग होता है, इसे हम V1, V2, V3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अंडर रूट N1 C1 स्क्वायर प्लस N2 C2 स्क्वायर प्लस N3 C3 स्क्वायर प्लस डैश डैश करके हम जितने भी गैस के अणु हैं सभी के लिए वेग की गणना कर सकते हैं उसके वर्गमूल के आधार पर, अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, यहाँ पर इन दोनों के अनुपात से हम औसत निकालते हैं और इस औसत मान का वर्गमूल निकालते हैं, तो प्राप्त होता है वर्ग माध्य मूल वेग। VRMS को अंडर रूट 3RT अपॉन m से भी दर्शाया जा सकता है। m यहाँ पर उस गैस के आणविक द्रव्यमान को लिया जा रहा है और यहाँ जब हम तीनों वेग के मान को देखते हैं तो तीनों में सबसे अधिक जो मान है वह वर्ग माध्य मूल वेग का प्राप्त होता है और सबसे कम मान जो है वो अधिकतम संभावित वेग, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का होता है। तो इसका क्रम होगा Vmp से Vav ज्यादा होगा और Vav से VRMS ज्यादा होता है। Vmp यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, Vav औसत वेग एवरेज वेलोसिटी और VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो सबसे अधिक मान जो है वो रूट स्क्वायर वेलोसिटी का होता है। अब हम मैक्सवेल एवं बोल्ट्जमैन के वेगों के वितरण के नियम के आधार पर इस वक्र को समझने का प्रयास करेंगे। इस वक्र में वाई अक्ष पर अणु प्रभाज डेल्टा एन अपॉन एन लिया गया है और एक्स अक्ष पर आणविक वेग जिसे सेंटीमीटर प्रति सेकंड के रूप में लिया गया है। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने प्रायिकता के आधार पर विभिन्न अणुओं की संभावित विभिन्न वेग और अणुओं के प्रभाज के बीच ग्राफ आरेखित किया। इसमें प्राप्त जो वक्र है वह निश्चित तापमान पर आणविक वेगों का वितरण दर्शाता है और इसे ही मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का वितरण वक्र कहते हैं। इस वक्र में आप देखिए बहुत कम वेग या बहुत उच्च वेग वाले अणुओं का जो प्रभाज है वो बहुत ही कम होता है, अधिक गति करने वाले अणु और बहुत कम गति करने वाले जो अणु हैं उनका जो प्रभाज है डेल्टा एन अपॉन एन, यह मान बहुत ही कम होता है। दूसरा, बहुत उच्च एवं उससे भी उच्च वेग वाले अणुओं का अंश तब तक बढ़ता जाता है जब तक कि वह सर्वोच्च मान पर नहीं पहुंच जाए और उसके बाद यह मान घटने लगता है।
अणुओं के सर्वोच्च अंश यानी उच्चतम शिखर का जो वेग है वक्र के शीर्ष के संगत होता है, और यहीं पर हम देखते हैं अधिकतम संभावित वेग जिसे ए एम पी या वी एम पी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दिए हुए ताप पर अधिकतम संभाव्य वेग गैसीय अणुओं के सर्वोच्च अंश का वेग होती है। इस वक्र में हम देखते हैं कि सबसे उच्चिष्ट बिंदु पर अधिकतम प्रायिकता वेग है, इसके बाद हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी औसत वेग, जहां पर हम अलग अलग चूंकि अधिक गति करने वाले या अधिक वेग वाले अणु भी हैं और कम वेग वाले अणु भी हैं, तो कई तरह के अणु यहाँ पर हैं, अलग अलग गति करने वाले अणु हैं, तो इनका एक औसत वेग निकाला जाता है। तो यह मान यहाँ पर दिखाई दे रहा है औसत वेग। इसके बाद जितने भी अणु हैं उन सब के जो वेग है उसका वर्ग, और उसका औसत निकालने के बाद उसका वर्ग माध्य मूल निकाला गया है, तो यह मान यहाँ पे वर्ग माध्य मूल वेग को दर्शाता है। इस वक्र में जो भी गति हो रही है, अणुओं की गति हो रही है, उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है या आणविक वेगों के वितरण पर ताप का किस तरह से प्रभाव पड़ता है ये हम देखेंगे। यहाँ भी एक वक्र हम देखते हैं जो कि आणविक प्रभाज और आणविक वेग के मध्य खींचा गया है, और अलग अलग तापमान पर हम इसे देखते हैं। तो T1 तापमान और बाद में जो तापमान लिया गया है वह है T2। तो आणविक वेगों के वितरण पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे अणुओं की गति भी बढ़ती है, अणुओं का वेग बढ़ जाता है। जो अधिकतम वेग का पालन करते हैं वे उच्च ताप पर वक्र दाईं ओर यहाँ विस्थापित होती हुई दिखाई दे रही है। तो T2 तापमान पर जो मान है आणविक वेग का, यह मान अधिक प्राप्त होता है T1 की तुलना में, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि उच्च तापमान पर वक्र जो है वो दाईं ओर विस्थापित होता है। बहुत अधिक और बहुत कम गति करने वाले जो अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। हम यहाँ पर देखते हैं वक्र में कि बहुत अधिक गति करने वाले अणु और बहुत कम गति करने वाले अणु बहुत कम संख्या में हैं। यदि हम दो अलग अलग गैसों की बात करें, जैसे यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं नाइट्रोजन और क्लोरीन गैस की, तो उच्च तापमान पर गति वितरण वक्र चौड़ा हो जाता है, और वक्र का चौड़ा होना यहाँ यह दिखाता है कि अधिक गति से गतिमान अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ इस वक्र में हम T1 और T2 टेम्परेचर पर जो देख रहे हैं कि वक्र चौड़ा हो रहा है, तो वक्र का चौड़ा होना T2 टेम्परेचर पर दिखाई दे रहा है, और यह शो करता है कि अधिक गति करने वाले जो गतिमान अणुओं की संख्या है वह बढ़ जा रही है जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जा रहा है। यहाँ जो हमने दो अलग अलग एग्जाम्पल की बात की कि समान तापमान पर जो अधिक द्रव्यमान वाले अणु होंगे उनकी गति हल्के अणुओं की तुलना में धीमी होती है, तो इस वक्र के आधार पर हम देखते हैं कि समान तापमान पर हल्के नाइट्रोजन अणु भारी क्लोरीन अणुओं से तेज गति करते हैं। अतः किसी भी दिए गए तापमान पर नाइट्रोजन के अणुओं की अति संभाव्य गति क्लोरीन के अणुओं से अधिक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन अणु हल्के हैं और क्लोरीन अणु जो है वो भारी होते हैं। तो हल्के नाइट्रोजन अणु भारी क्लोरीन अणुओं से तेज गति करते हैं, और यहाँ पर हमें जो वक्र दिखाई दे रहा है यह चौड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो यह शो करता है कि अधिक गति से गतिमान अणुओं की संख्या यहाँ बढ़ जा रही है।